गाइस हेलो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस ब्लॉग में हम आपको टी गार्डन्स ले जाने वाले हैं और आपको दिखाने वाले हैं कि हमारी जो धर्मशाला है वो कितना सुंदर है, ब्यूटीफुल है। अब हम घर से निकलने वाले हैं और जाने वाले हैं टी गार्डन्स। इसी हम आगे कचेरी गाइस, ये हमारा सिटी हॉस्पिटल है। अब हम धर्मशाला ये कोतवाली पहुंचने वाले हैं। बाबा
टी गार्डन। आप देख सकते हैं गाइस, ये टी फैक्ट्री है, इसके अंदर ये लिखा भी हुआ है धर्मशाला टी फैक्ट्री। चुके हैं धर्मशाला के टी गार्डन्स में और यहाँ पर आपको आप देख सकते हैं कितनी अच्छी पत्तियाँ हैं, यहाँ पर कितनी अच्छी ग्रीनरी है गाइस, और हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पर जो है ये मानस स्टेट की इसमें पड़ता है गाइस, बाकी आप इसको कुनालपत्री के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर कुनालपत्री का टेम्पल है गाइस, जो कि बहुत ही फेमस है। इनको नहीं पता है कि यहाँ पर टी गार्डन्स है गाइस, प्लीज़ विजिट कीजिए। गाइस हम तो बहुत मज़ा आ रहा है, आप भी आइए यहाँ पर और टी गार्डन्स का मज़ा लीजिए। कैसे करो
हाँ सुधर बाइक हो रहा यार गाइस हम यहाँ पहुँच गए हैं कुनालपत्री टी स्टेट में। आप देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत है। वो जो हम पहले उसमें गए थे वो मानी स्टेट था, ये हमारा कुनालपत्री स्टेट है। तो हम जा रहे हैं अब इसके अंदर टी गार्डन्स के लिए। बहुत मजा आ रहा है गाइस यहाँ पर आके। चलिए आगे चलते हैं। कुछ जाइए
रुको गाइस, मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्योंकि आप इसे देख सकते हैं, यू नो इतना अच्छा खूबसूरत मौसम है, ऊपर से इतनी अच्छी गार्डन, यू नो, और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत आते हैं। यहाँ पे एक्चुअली बेस्ट पॉइंट पर फोटोशूट भी हो सकते हो, और यहाँ पे अगर आपको चाय पीना है तो आगे स्टॉल है इसके, आप देख रहे हो। तो बस हम थोड़ी देर बाद अभी यहाँ पे थोड़ा फोटो सेशन करके वहाँ पे हम चाय पीने जाएंगे, आपको फिर आगे बताएंगे, ठीक है गाइस। अब हम चाय पीने जा रहे हैं, हमारा हिमालयन ब्रू का जो है मेन्यू है इसमें, जो देख सकते हैं आप, मसाला चाय है। भैया हेलो बोल दो। हेलो बोल दीजिए। आंगरा ग्रीन टी, कौन से पीना चाहोगे आप? जैस्मिन ग्रीन टी, ये दिस वन जैस्मिन ग्रीन टी। नो नो, वी डू वन थिंग, आप एक जैस्मिन कर दीजिए, एक मसाला चाय फॉर मी, एक जैस्मिन कर दीजिए ना, और एक मसाला जी। तो आप मसाला चाय कर दीजिए सर। तो गाइस हम अब हमने चूज कर लिया है मेन्यू में से, हम अब पीने वाले हैं घी, जो कि यूपी से मिला है। चाय का वेट कर रहे हैं, हमने चाय का ऑर्डर दे दिया है, तो जो है वो आ गई है और हम इसको सिप करने वाले हैं। अब जैसे देख सकते हैं ये जो है ब्लू कलर की चाय है, जिसमें कि ब्लू पी डाला हुआ है, बटरफ्लाई ब्लू पी। बहुत अच्छी है गाइस, आई लव इट, और इस हिमालयन ब्रू को जरूर टेस्ट करें। चाय है वो बहुत ही मेडिसिनल है, बहुत ही लाभदायक है सेहत के लिए, और ये जो है ब्लू पी बटरफ्लाई टी, वो आपके बालों के लिए और स्किन के लिए बहुत बेहतरीन रहता है। हम चाहते हैं कि आप इसको ट्राई कीजिए और यहाँ पर विजिट कीजिए। थैंक यू।
हट्स बस यहाँ पर कचेरी है, जिनका नाम है राजू मोमो कैफे। यहाँ पर काफ़ी अच्छे अच्छे मोमोज मिलते हैं, राइस भी मिल रहा है, पकौड़ा मिल रहा है, चाउमिन मिल रहा है, काफ़ी सारे जो चाइनीज जो है आइटम्स मिलते हैं खाने को। हम यहाँ पर खाने जा रहे हैं मोमोज कचेरी। आ गए हैं मोमोज का, तो ये रहे आपके गर्म गर्म मोमोज, तो बस इसको हम खाने वाले हैं और बताएंगे आपको इसका टेस्ट कैसे लगता है। और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए गाइस प्लीज, अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।